दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नाबालिग ने 58 वर्षीय महिला को उतारा मौत के घाट, शव के साथ किया रेप। समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है जिन पर सहज विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि हमारे आसपास घटी घटनाएं नहीं बल्कि टीवी पर देखी जा रही कोई क्राइम सीरीज हो। मोबाइल चोरी का आरोप लगाने के बाद 16 साल के एक युवा गुस्से में इतना बौखला गया कि उसने 58 साल की महिला की जघन्य हत्या के बाद लाश के साथ दरिंदगी के साथ बलात्कार किया। पुलिस का कहना है कि हत्या से पहले 16 साल के युवक ने महिला के नाक मुंह में मोजे और पन्नियां ठूसी और बाद में धारदार हथियार से उसकी छाती पर वार किया। इतना ही नहीं, महिला की वजाइना में भी डंडा घुसाने की बात सामने आई है। जघन्य कांड को अंजाम देने के बाद युवक गहने चोरी करके घर से भाग गया। महिला की लाश मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया और संदेह के आधार पर पुलिस ने गांव के कुछ लोगों को उठा लिया। इनमें मृतका सुखबरिया देवी को परिजनों को भी संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान मृतका के बेटे ने ही गाँव के एक नाबालिग युवा पर हत्या का शक जताया। तो यहां से पुलिस ने नई तरीके से जांच शुरू की है। वायु प्रदूषण से धूम्रपान न करने वालों को भी हो रहा है कैंसर, रिसर्च में हुआ खुलासा। अभी तक धूम्रपान के कारण फेफड़ों में कैंसर के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक शोध में सामने आया कि वायु प्रदूषण के कारण धूम्रपान नहीं करने वालों को भी इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर से पीड़िता 41% यानी हर दूसरा मरीज ऐसा है जो धूम्रपान नहीं करता। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र में फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित 724 मरीजों पर अध्ययन हुआ है। यह जानकारी सामने आई है। चोट टीम का नेतृत्व करने वाली डॉक्टर स्मृति वासुदेवन के अनुसार अस्पताल में आए फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हर 10 मरीजों में 4 ऐसे मिले जिन्होंने धूम्रपान नहीं किया था। अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान न करने वाले मरीजों की कैंसर का पता लगने के समय औसत आयु धूम्रपान करने वाले मरीजों से कम थी। अध्ययन में दिल्ली के मरीजों की तुलना पश्चिमी देश में फेफड़ों से कैंसर से पीड़ित मरीजों से की गई है। सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी, बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली है। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनकर्ताओं के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। सरकार की ओर से महंगाई भत्ता मौजूदा 38% से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है। इस आशय के लिए तयशुदा फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ता में पूरे 4% का इजाफा किया जा सकता है। साल में 2 बार संशोधित होता है कि महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार के जरिए महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंसेस और डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई से राहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ोतरी करने का नियम चल रहा है। मौजूदा महंगाई भत्ते में सरकार 4% का इजाफा कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए सीधा 4% तक बढ़ जाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए।